जया समझ गई, जया गॉट इट व्हाई आई हैव एक्स्ट्रा स्माइल, माय सन केम फ्रॉम टोरंटो टू नाउ जस्ट बिफोर 15 मिनट्स, 15 मिनट पहले मेरा बेटा आया, माँ बेटे का मिलाप हुआ, एंड एक वो भावनाओं का जो खेल होता है ना, वो बड़ा अजीब है, वो भावनाओं का खेल में, और जो विशेषकर आप पर लागू होता है, लेकिन आपके स्वयं के भावनाओं के खेल को भी अगर आप साक्षी भाव से देखोगे ना, एंजॉय करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मूवी देख रहे हो, कोई उस मूवी में आपके बेटे को भी रोल मिल गया, हाउ इज योर इमोशंस, कैसे रहेंगे आपके? फॉर एग्जाम्पल, कोई इंडियन क्रिकेट टीम मैच खेल रही है, उसमें 11 खिलाड़ी में आपका बेटा भी है, तो व्हाट यू थिंक, मेरा बेटा अच्छा परफॉर्म करे, फीलिंग्स आती ना, माय सन विल के, ओ माय गॉड फील गुड, और वह जीरो पर आउट हो जाता है, आप उदास हो जाते हैं, और वही जीरो पर अगर कोई दूसरा आउट होता है उतने उदास नहीं होते। इट्स अ गेम ऑफ इमोशन, एवरीबडी हैव टू इन्वॉल्व, बट यू हैव टू बिकम अवेयर, दिस ऑल आर थिंग द माया, ये सब एक भ्रम है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा सब भ्रम है, कुछ नहीं रहने वाला, ना जमीन जायदाद, ना ये शरीर, ये शरीर ही नहीं रहा, आप सोचोगे मेरे बगैर दुनिया नहीं चलेगी, माय डियर, आपके न रहने पर आपसे अच्छी दुनिया चलेगी, ये भ्रम पाल के चला, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद मेरी बेटी की शादी उसका क्या होगा, मेरे इस ऑल द इल्यूजन्स, कि आप अपना कर्ता भाव डाल के रखे हो उसमें, मैं करा रहा हूं, अरे पागलों, आप नहीं करा रहे हो, कोई कान पकड़ के आपसे करा रहा है, सेवा भी कोई कान पकड़ के करवा रहा है, बी इन द गेम, एंजॉय द गेम, बट एज ए व्यूअर भी कभी गेम को देखो, एक साक्षी भाव से भी जिंदगी के गेम को देखो, तो आपको असली मायने पता लगेंगे। मैं नहीं कहता कि मैं जमाने को बोलता हूं गुरु हूं, मेरे पर लागू नहीं होती, पर्सनल इमोशन 100% मुझ पर लागू होता है, मैं भी एक पिता हूं, मैं भी एक पति हूं, जो भी फीलिंग है मेरी भावना है, उस वक्त मैं इन्वॉल्व हो जाता हूं टेम्परेरी, लेकिन बाद में भी अवेयर होता है, इज ऑल द इल्यूजन, सब भ्रम है, सब आके, और 15 मिनट का वो टाइम रहता है इमोशंस का, उसके बाद सब अपने अपने अलग हो जाता है, ओनली 10 to 15 मिनट्स का खेल होता है, ये इसका लड़का आएगा भारती का बाहर से, खुशी हुई कब आया, आया कि नहीं आया, गाड़ी से आ गया, यानी जहां वो खुशी आपके पास आई, गले लगे, धोख दिया, वो खत्म, अब आगे क्या करना, कब जाना है, द हैप्पीनेस विच इज अ टेम्परेरी इज नॉट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस विच इज परमानेंट इट्स हैप्पीनेस। अगर अपने आप को किसी परिस्थिति, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु से, किसी रिश्ते से जोड़ोगे तो क्षणिक सुख पाओगे, परमानेंट नहीं। अरे भगवान करे मेरा लड़का हो जाए, भगवान करे लड़का हो जाए, लड़का ही हो, लड़का ही हो, भगवान प्रार्थना, भगवान प्रार्थना, लड़का हो गया, भगवान गए तेल लेने, अरे और इसका नाम कैसे रखा, ना बुआ रखेगी, कौन रखेगा, वो बोला ना, एक कहानी सुना तो आपको, ग्रेटिट्यूड तो पे करने का आदत ही नहीं हम, ये भगवान इसका तबीयत सही रख ले, अरे बच्चा आईसीयू में रखा, डॉक्टर लोग रख देते डराने के लिए, अरे वो ठीक हो जाए, ओ माय गॉड, वो ठीक हुआ उसका धन्यवाद। तो वेन यू कनेक्ट योर सेल्फ विद एनी सिचुएशन, कोई परिस्थिति से जोड़ोगे अपने आप को, कभी जिंदगी में खुश नहीं रहोगे, मेरा बेटा मेरे पास है या नहीं, मैं खुश हूं, हाँ हो सकता है वो आता तो कुछ क्षणिक दिल को धड़कन उठती, गला लगाना पड़ता, वो भी आपको 2-5 मिनट से ज्यादा समय नहीं दे सकता,
अपने मोबाइल में लग जाएगा वो, पापा आगे जाना करना है. दिस ऑल द टेम्परेरी. सो हो सकता है मैंने आपकी शुरुआत जो सेशन करी कि माय सन इज केम आफ्टर आई थिंक एग्जैक्टली 9 मंथ. आई कैन सी द मदर फीलिंग, मदर में वो फीलिंग्स मेरे जो मुझ में वो मदर में नहीं है, बट आई रिस्पेक्ट हर फीलिंग्स. उसके मैं वीडियो लीक कर ला, थोड़ा भावनाएं माँ की जो आती है, कब से वेट कर रही थी कब आएगा पूछो, दिल्ली आ गया कि नहीं आ गया, दिल्ली से आपने उसका वॉक कराया कि नहीं. ये जीवन है, ये जीवन खुशी, और जिस दिन यह यही खुशी उसकी दुख में बदल जाएगी जब वो यहां से जाएगा. तो हम हमेशा उस खुशी का इंतजार करते हैं, उस खुशी दुख भी लेकर आएगी. वो जब बेटा 10 दिन बाद जाएगा तो रोएगी भी वो. डैट अंडरस्टैंड, गहराई में जाना इस बात की. तो जो चीज ने खुशी दी है वही चीज आपको दुख भी देगी. हम ऐसे बने ना खुश हो, अगर हम ज्यादा खुश नहीं हुए तो दुखी भी ज्यादा नहीं होंगे. इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि संभाव में रहो. कई कैरेक्टर रहते हैं आपको देखिए, कई आई सीन अ लॉट ऑफ पर्सनालिटी. संभाव में कोई कितनी बड़ी से बड़ी खुशी है, हाँ ठीक तो क्या गए कैसे हैं बढ़िया ठीक जा रहे हैं ठीक है जाइए. मीन्स दे मेंटेन देयर इमोशंस, अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, वह भावनाओं पर हावी रहते हैं. ऐसा ही जीवन जीना है, भावनाएं हमारे ऊपर हावी नहीं होना. और मेरा बेटा आया गलो कितने दिन बाद, अब वो जाएगा तो वही खुशी के दुख. तो माय डियर, लाइफ इज इजी, लाइफ इज डिफिकल्ट, इज अप टू यू हाउ यू वांट टू स्पेंड. जीवन बहुत सरल है और जीवन बहुत कठिन है. इज ऑल अप टू यू हाउ यू टेक योर लाइफ. मैं बोला जाय बोल रही थी आपका बेटा आने वाला, आज तो सही सिचुएशन छोड़ दोगे आप तो. नो व्हाई ही केम एट 9 o'clock. माय अनदर सन विल कम व्हेन माय सेशन इज रेडी. मैं क्यों, इज ओके. मैं गुरुजी आप तो आराम कर लो, आप तो रहने दो आज. मतलब हम बात कर रहे थे थोड़ा, और इसके इमोशन के भी कद्र कर रहा था मैं. शी सो मच कंसर्न. बोले गुरु जी आज सेशन आप कर दो, आज भी लोगे के सर, कल का क्लास में पोस्टपोन करेंगे. तो मेरा काम मैं करूंगा, मुझे मालूम है कि ये टेम्परेरी खुशी है 5 मिनट की. मतलब मेरा बच्चा कहाँ चले जाएगा, माँ कहाँ चले जाएगी, मैं कहाँ चलूंगा. तो ऑलवेज आंसर्स टाइप ऑफ हैप्पीनेस फॉर लॉन्ग टाइम. टेम्परेरी तो मूवमेंट्स आते रहेंगे लाइफ में. अब जितना परसेंटेज खुश हुआ है उतना ही परसेंट दुख भी देगा जाते वक्त. तो व्हेनेवर यू आर हैप्पी टू, व्हेनेवर यू आर रेडी टू गेट द हैप्पीनेस, बी रेडी दैट दैट हैप्पीनेस इज कन्वर्टिंग इन द पेन. वही सुख आपको कभी हो सकता है दुख भी दे. तो सुख और दुख में जिस दिन से अंतर्भेद करना पसंद कर दोगे, दो अंतर्भेद कैसा कि अपने मन पर अपने को असर नहीं होना कि खुश में भी एक जैसा दुख में भी एक जैसा. ठीक है, हाँ मैं कंसर्न की बात करता हूं. बराबर चिंतित रखो अपने बच्चों के प्रति, कब जो अपने दायित्व है यू हैव टू कंसर्न. ऐसा नहीं उसके साथ मेरी मिसेस बात कर रही है, करो वो करो वो करो. मेरा मैं बड़ों को पहले फोन लगवाता हूँ, जरूर रिस्पेक्ट, कॉल द एल्डर ब्रदर, कॉल द सेकंड नंबर ब्रदर, सबको बात करो. ये होते संस्कार. अरे मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, जब तक घर के बच्चे को अपने बड़ों को प्रणाम करना नहीं सिखाओगे. शहर में मेरे 2 भाई रहते, 3 भाई रहते, पहले वो स्पेंड किया बाबा के पास, टाइम दिया उन्होंने, फिर आया मेरे पास आया. तो ये कई लोग, कई ज्ञान की बातें हमारी बातों से निकल जाती है. ना जाने कितने लोगों के आपके बच्चे आते जाते होंगे, कुछ लोग कहीं नहीं जाते. तो ये सब व्हाट वी कैन लर्न. तो नॉलेज इज इन योर लाइफ, ज्ञान सीखने कहीं जाना नहीं. ओके और एक चीज और, जहां तक ज्ञान की बात करी, ज्ञान अगर आपके अनुभव से अर्जित किया गया है, इफ द नॉलेज इज अर्निंग बाय योर ओन एक्सपीरियंसेस, इट विल बी कैरी द होल लाइफ.
If the knowledge is earned by listening or the reading the book, if you apply on yourself, in that case be it will be long time. आज तक इस दौर तक कितना नॉलेज सुन लिया होगा आपने? अपने आज रात को स्वाध्याय करते तो सोचना कि कौन सा किसके द्वारा सुना गया ज्ञान को मैं अमल कर रही हूं। किसके ज्ञान को मैं अमल कर रही हूं? सिंपल टर्म, वह ज्ञान जिससे मिला हो, कोई ईश्वर का हो, गुरु का हो, खट्टा वो भले को खराब इंसान तो भी आपके पास एक प्रॉपर्टी बना के रखना, क्योंकि वह जात में जाएगी साथ में। ओके, ब्लेसिंग भारती, ब्लेसिंग हेमलता जी, ब्लेसिंग रूपा जी, ब्लेसिंग्स मीना की मम्मी, ब्लेसिंग हर्ष एंड ब्लेसिंग रिंकू, ब्लेसिंग सरोजनी जी एंड ब्लेसिंग वंदना जी। I already come to know that Papiha and Amit won't come because they are involved in the marriage. From tomorrow, 8:30 as per Indian time, India, there is a time at 9 o'clock. But tomorrow, 8:30, we are going to involve that 8:30 morning as IST. Our session will be performed. If the participant will be there, we will continue the session. Okay. So, one more thing which I shared with my son, well, Papa, there is a lot of loneliness in the Canada. I listen him. Tomorrow I will explain it. If you are in the house at the dinner time, at the breakfast time, lunch time, rare cases, rare family collectively take the lunch and breakfast and dinner. Due to their professional work, due to their personal issue, वो इतने बजे उठता है, वो इतने बजे उठता है, इतने बजे उठता है। बच्चे आए हैं, खाना मुझे कब खाएंगे, कब अपने मालूम ही नहीं, बस आ गए, ये संतुष्टि मिल गई, वो गए गए। तो आप जीवन में ये चीज ध्यान रखिएगा कि हर पल आपका कीमती है, वो दुख का हो या सुख का हो, एवरी मोमेंट इज प्रीकिशियस फॉर यू, आदर हैप्पीनेस आदर सॉरो। और हैप्पीनेस को सॉरो में तो कन्वर्ट नहीं करेंगे, सॉरो मोमेंट्स को भी आप हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू अपने ज्ञान से, अपने अवेयरनेस में। एक चीज और इस नॉलेज से कनेक्टेड, कभी भी लाइफ में कोई गिल्ट नहीं पाल के रखना। ये गिल्ट मतलब जो पावर ये नहीं हुआ, और वो गुरुजी को धोख देके नहीं निकली मैं, और भगवान में आरती लेके नहीं निकली, कभी नहीं निकलना। अगर कोई भी गिल्ट पाला, इसका मतलब आप उसमें कर्ता भाव रिस्पॉन्सिबल डाल रहे हो। इन द मॉर्निंग द वन फेलो कम अलॉन्ग विद दैट, just listen, it's a very good example. The person is belong to Dainik Bhaskar, his newspaper. He never take the money and all, some ask the money, he never take the money. But after a year, he come at Indore, my place. And when I touch his hand, I predict something, oh my God, he's surprised. Because he is a journalist, journalists always see the different angle. His wife, uska haath dekha maine, वो कोई दो तीन महीने बाद बोली तो रोने लगी जोर जोर से। तो क्या होता है, आपको केवल टच करना है, जेंटल टच, और ऐसा अनकंडीशनल टच कि आपको उसमें आत्मीयता लगे। तो मैंने सिर्फ यही चीज कही, बेटा दो भगवान क्या दे रखा है बेटे वर्ड में बोलने में, वो ऐसे कुछ हो गए, वो आंसू भरने लगे, वो फिर देखिए अपनी प्रॉब्लम बताई, उसके दर्द को हील करा, उसको 50% आराम मिल गया, फिर देने का। तो ये सब प्रोसेस बनती है, मैं इस पर कर्ता भाव नहीं डाल रहा हूं कि आए थे गुरुजी के पास, मैंने ही करा और 50% ठीक हो गया, नहीं बाबा, नॉट एट ऑल। कभी पर्सनल नहीं करता मैं, बस धन्यवाद देता हूं कि ईश्वर मुझको माध्यम बनाए शरीर को कि उनके चेहरे पर खुशी ला सकूं, बस नेवर कीप। So, ये चीज की शुरुआत आज से बोलो, नेवर कीप एनी टाइप ऑफ गिल्ट। आई एम अनेबल टू परफॉर्म, मैं जॉब नहीं कर पाया, आई एम अनेबल टू परफॉर्म प्रॉपरली। अरे माय डियर, टॉक विथ योर अवेयरनेस,
आर यू डिड द प्रॉपर स्टडी? अगर बाचा नहीं परफॉर्म कर पाए तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, उस पर भगवान नहीं है. ओके, तो डोंट कीप एनी टाइप ऑफ गिल्ट. हो गया हो गया, किसी के बारे में गलत थॉट आ गया. वो गलत थॉट तो एक बार आया, उसका गिल्ट पाल के बैठते हो रहे, और वो गलत थॉट आ गया था उसके बारे में गलत. लीव इट. अगर आप उस गलत थॉट की आपके ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हो तो आप अपना जीवन चला रहे हो. वो गलत थॉट लाने वाला भी वो वही था, उसके साथ सजगता कितनी रखता है इंसान. वो मैंने एक लड़का निकला, उससे अधिक उम्र की कोई सुंदर महिला निकली, उसको देखकर उसके मन में गलत विचार आया. अगर वो उसमें रस लेता है, इंजॉय करता है उसमें, तो वो बात है. उसके बाद गिल्ट कर लेता, अरे यार नहीं यार, इस रॉन्ग, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया यार. वो गिल्ट पाल लेता, उसका मुक्त हो जाता वो. अरे और मैंने उनके बारे में गलत सोचा था. कभी लाइफ में गिल्ट पालना नहीं. बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण दिया मैंने आपको, ये चीजें हमेशा होती हैं. एक मिनट. हाँ दीदी, मैं नहीं नहीं बेसिकली क्या, मेरे तभी ठीक है उनकी, और अभी मेरे बेटा भी आया टोरंटो वगैरह से, तो वही थोड़ा आज ये टोरंटो से आ गया वो. मैं दीदी सेशन ले रहा हूँ अभी ना ऑनलाइन, 8:30 to 9:30 तक मैं आपसे थोड़े बहुत. अरे बाप रे बाप, आप दिल्ली पहुंच गए? चलो मैं आपसे लगाता हूँ. हाँ तो अभी ये न्यूजीलैंड से फोन था. अब देखो आप मेरी सिचुएशन, अब मेरी पर्सनल बात सुनिए, लिसन मैन, बहुत अच्छी बात पता लगेगी आपको, मन की स्थिति पता लगेगी. द लेडीज फ्रॉम न्यूजीलैंड, हर हस्बैंड इज वर्क विद, इसे आई एम गेटिंग द नॉलेज. आज मेरी जगह अगर जया होती, मेरी जगह अगर हर्ष होता, मेरी जगह अगर नीरू होती, तो मैं उनका इमेजिनेशन करता हूँ उनकी रिएक्शन क्या होती. सबकी रिएक्शन अलग अलग है ना. अब अभी जय को गुस्सा जाएगा, गुरु जी आप ऐसा कैसे कर लेते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. अच्छा चलो छोड़ो यार, भारती बोलेगी चल छोड़ो यार, मतलब अलग अलग ऊर्जा. मैं ऐसा नहीं करूँ, कंप्लेन करूँ. तो वो नीरू, वो उनका न्यूजीलैंड से फोन आया, बोले गुरु जी आपने जो प्रॉपर्टी दिलाई थी, लैंड दिलाई थी, वो लैंड आप प्लीज हमको दिला दो, वो हमारी बिकवा दो. तो आए प्रोसेस 30 rupees स्क्वायर फीट में उनको लैंड दिलाया. टुडे ही इज गेटिंग 800 rupees, 800 स्क्वायर फीट का रेट मिल रहा था उसको. और 92 से अभी तक उनको पता ही नहीं था कि कहाँ है. बट फॉर्चुनेटली द पर्सन वॉज कनेक्टेड विथ मी, तो वो जिसने ली थी वो आज तक बड़ा आदमी हो गया. तो मेरे कहने पर वो आया, उन्होंने 800 rupees में करके इन्होंने रेडी कर लिया कि हाँ 800 rupees में तैयार है सेल करने. अब बाहर जो प्रॉपर्टी ब्रोकर्स थे, आप रखो इसको. मैं ही कह रहा था कि अभी आप प्रॉपर्टी मत करो, कोई 1300 rupees, कोई 1400 rupees, ऐसे भ्रम फैला है. और वो लेडी मुकर गई. तो फिर मैंने उनसे कहा कि दीदी एक बात बताओ, आप इतनी दूर से आए हो, मुझसे बोल रहा है आपने, मैंने मेरे एक परिचित को फ्रेंड करा, आपको 100-200 rupees ज्यादा भी मिलते हैं तो आप बोलो. फिर आप एकदम उसको मना कर दिया, गलत है ना वो. मैं ना कोई मैं प्रॉपर्टी ब्रोकर हूँ, ना कोई आपसे ब्रोकर चार्ज करता है. आज उसके पास इतनी जमीन है कि आपके पास जितनी जमीन, इसमें 1000 गुना इंटर करो. वो मेरे वर्ड रखने के लिए, मेरी रिस्पेक्ट रखने के लिए यहाँ घर पर आया और आपको एक्सप्लेन करा, और आपको बाहर के लोगों ने बोल दिया कि वो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, तो आप उसको विश्वास करो. नहीं नहीं वो तो बोल रहे थे मैंने, आज की तारीख में बाहर का व्यक्ति कोई आ जाए और कहे कि इतना पैसा मैं दे रहा हूँ हाथ में लेकर आए, तो उतना ही पैसा मैं आपको दूंगा. बाहर के लोगों तो क्या ब्रोकरी कमा नहीं उनको. Oh my God. उनका तो सोच नहीं बदल गया. देखना आप बताओ मेरी स्थिति क्या होगी. बट आई कंट्रोल माई सेल्फ कि नहीं यार, मेरे दोस्त की पत्नी है, मेरा दोस्त अभी इस दुनिया में नहीं रहा, मेरे को सहयोग करना था, मैंने सहयोग कर दिया. और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर बाय चांस मैं नहीं होता तो जमीन तो जीरो हो जाती. बिसाइड दैट आई लड़ो गुरु जी, तो पहचान वो तो कम पैसे दे रहा. आज उनका ही फोन आया. तो
जीवन में ऐसा हो जाता, गुस्सा भी आता, इरिटेट भी, अरे क्या समझ में आता हमको, पर हमको काम बोला था आपने और हम करके रखा, फ्रस्ट्रेशन आता है। नहीं, डोंट कीप एनी टाइप ऑफ गिल्ट, सिंगल गिल्ट। सब आए, सबके अपने अपने नेचर है, सबके अपने स्वभाव है। अब यहीं पर मेरी जगह कोई दूसरा होता 12 बजे तो अब इसका समझते हो आप, ये कर दोगे, और जो मेरा फ्रेंड था वही गुस्सा हो गया, मैंने कहा बेटा 80 ईयर ओल्ड लेडी है, उन्हें हाँ कर दिया तेरे को, तूने एडवांस भी ले लिया, नहीं कर पा, क्या करूं बेटा, उसके बच्चों की बात माने, छोड़ दे, मैं माफी मांगता हूँ उसकी तरफ। अरे गुरु जी आप किसी बात करो, आपको प्रॉब्लम, लेकिन वो लेडी ने कमिट कर लिया, मुझसे पैसे ले लेकर बात कर लिया, अभी पैसे, कई बातें ऐसी होती ना जो व्यवहारिक नहीं होती, पर भी हम उस, चलो ठीक है, मैं सेठ सॉरी मिल गया, मैंने सबसे सॉरी बोलता हूँ, माफी मांग रहा हूँ, मेरी तरफ से बोल, उसकी तरफ से, वो लेडी मेरे दोस्त की पत्नी क्यों, इज अ बिग शॉट। वो घर गया होगा तो उसको मेरा नेचर पता लगा होगा कि हाँ यार देखो गुरु जी भी कैसे यार कि इतना पेशेंस होना चाहिए। तो देट इज आई एम एक्सप्लेनिंग यू, क्या हम में उतना पेशेंस है, ब्लास्ट हो जाओ। और ये चीज वो भी समझ रही है कि गुरुजी को हमने इतना फोर्स करा, वो कर करके इतना फोर्स करा हमने, पीछे पड़ गए इतना कि करे ही दो, वो गुरुजी ने मिला के करा, उसके बाद हमने वो गुरुजी की बात नहीं मानी, नहीं मानी होती, कोई दे रहा होता साथ में के ऊपर जाता तो समझ में आता है। तो मैं यही कहता हूं, कई बार दृश्य ऐसे आएंगे जिसमें आपकी गलती कुछ भी नहीं रहेगी, उसके बाद भी आप गलत ठहरा दिए जाओगे, एक्सेप्ट इट विदाउट रिएक्ट। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय इंटेंशन टू से, आप समझ गए ना, हम रिएक्ट कर देते हैं, अरे तुम्हें मैं क्या नौकर समझ रखा तुमने मुझको, मेरे टाइम की कोई वैल्यू नहीं क्या, मैं बार बार फोन करके रखा, मैं इस आदमी को बुला के रखा मैंने, उसकी वैल्यू नहीं क्या, फिर हम रिएक्ट कर देते हैं, और वी आर राइट, बट नहीं करना। ही नो, उसको मालूम है कि मैं इनके साथ गलत कर रही हूं, और अगर मैं रिएक्ट कर दूंगा तो बोथ आर द सेम, राइट। अगर वैसा के साथ मैं कर देता हूं बराबर हो जाता है लेना देना, आज वो दिन भर दिमाग में खाती रहेगी बात कि यार ये हमने गलत किया, हम आ गए और गलत किया, ये काम उनको खाती रहेगी, मेरे को नहीं कुछ होगा। प्लीज आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय, व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू इनलाइटन इन योर बॉडी। कोई चीज नहीं है, ये तो सब बैठे लोग हैं आपको उकसाने पर बैठे, उकसो, जस्ट इरिटेट वो नहीं, इतना बड़ा लेवल जीजस जितना कि हाथ में कील ठोक दी, पैर में कील ठोक दी, माथे पे कील ठोक दी, जस्ट लीव इट। आई एम नॉट सेइंग दैट यू बिकम लाइक जीजस, बट इंटेंसिटी ऑफ द पेशेंस लर्न, उतनी इंटेंसिटी हमारे पास आ रही है क्या? ठीक है यार, वो भी एक 5 एलिमेंट बॉडी किसके कहने में चल रहा, ठीक, क्लियर। माय डियर कृष्णन जी, ब्लेसिंग्स, आई थिंक सिंस लास्ट 2 डेज लिटिल बिट आई एम गिविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज, बट आई एम एबल टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स और नॉट। तो ये सिचुएशन से जो आप सीखोगे ना वह ज्यादा इफेक्टिव है, बजाय में किसी का नाम का कृष्ण भगवान ने कहा नहीं। लाइफ में जो भी हो रहा है ना वो तो हो चुका, उसको आप ठीक है। तो कल हमने क्या करा था ब्रीदिंग में, कौन बताएगा? ब्रीदिंग विथ अवेयरनेस हमने लग्न को हील किया था, कल हमने साथ में हमारे लेफ्ट पार्ट को किया था सिंगल ब्रेथ से, आज हम हमारे राइट पार्ट को करेंगे, ठीक है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग माय सेशन मैं आपको फिर बता दूं, मेरे 12 रत्न हो आप लोग, 12 रत्नों में भी कोई रत्न बदलते रहते हैं मेरे, क्या 12 के दर्जन एक दर्जन पूरे रहते हो, रत्न बदलते रहते हैं, कभी वंदन आ जाती है, कभी अमित आ जाता है, कभी बन जाता है, शनिवार को रत्न ज्यादा होता है। तो मैं तो आप मान के चलो, आप बलि सेशन में रहो या नहीं रहो, मैं आपके साथ। तो मैंने आपको वैलेंटाइन डे का जो प्रस्ताव दिया था, तो आज मैं बड़ा वो हुआ, आई एम वेरी हैप्पी, शायद भारती जी से शेयर नहीं करा मैंने, आज मैंने कॉल किया एक आश्रम में, वही भारती जी आस्थाश्रम, तो वहां पर एक 85 ईयर ओल्ड हस्बैंड है और 80 ईयर ओल्ड उसकी मिसेस है, हस्बैंड बेड पे है, पत्नी उसके देख रेख कर रही है।
तो मैंने कहा 14 फरवरी को उन दोनों के नाम से, वो फूट का लगता है कुछ देने का, मैंने कहा उन दोनों के नाम से आप एक रसीद कटाओ, मैं पैसा आपको ट्रांसफर करता हूँ, मेरे नाम से नहीं कि कृष्णा गुरु जी के नाम से, नहीं कृष्णा गुरु सोचा नहीं कुछ नहीं सोचा, सोसाइटी गई थी, मैंने उन दोनों के नाम से, और ये घोषित करो कि उन दोनों की दंपत्ति आप सब लोगों को पार्टी दे रही। व्हाट आइडिया है, कैसा लगेगा जो दिन। और फिर ये फीलिंग्स मेरे को कब आई, जब मैंने पाद पूजन में उनके पिताओं से लिफाफे दिलवाया ना, अरे मैंने कहा इसमें तो ज्यादा खुशी मिलती है। देखिए 14th को वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में रहने वाले वृद्ध दंपत्ति वो पूरे सबको पार्टी देंगे और पूरा साल एंजॉय करेंगे, वाह यार तूने तो पार्टी दी थी। यही चीज खरीदो, किसी की खुशियां खरीदो इस प्रकार से कि मजा आए, उसको खुशी मिले, किसी और की खुशी को देख के जिस दिन खुश होना सीख गया भाई साहब, तो आप में और ईश्वर में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। ओके डन, डिवाइन एस्ट वाली फीलिंग ने सही किया ना। एक ब्लाइंड कपल को मैंने, हस्बैंड और वाइफ दोनों ब्लाइंड है, दोनों सेंट्रल बैंक में काम करते हैं, उनको मैंने डिसाइड किया। एक मिस्टर बंसल जी हैं, वो भी 85 ईयर के, वो बता रहे हैं कपल, वो भी उनका भी डिसाइड करा। तो 3-4 कपल्स को मैं आइडेंटिफाई करके, भारती जी 14 तारीख को रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मंगलवार है उस दिन, जो भी रहेगा वो मुझे खुद को नहीं मालूम, मेरे साथ में जो भारती जी जाएगी, भारती जी और हम दोनों साथ में गाड़ी में लेके निकल जाएंगे, हम दुपट्टे पहना के ऑनर करके समाज को संदेश देंगे, ये देखो अंधा है लंगड़ा है ढूला है पर भी पति साथ दे रहा है, पत्नी पति बिस्तर पे साथ पे दे रहा है। आज आज सगाई छोड़ के भाग गई लड़कियां जिनको कोविड हो गया पति को, नो, यू गॉट अ कोविड, माय फैमिली विल बी अफेक्टेड, नो, आई वोंट कम टू सी यू, ओके माय डियर, सो जस्ट एंजॉय टू सी द, उनकी खुशी देखकर देखो, उनके खुशी के पल तो ये भारती जी साक्षात देख पाएंगे, और जो भी लोकल आएगा, वर्षा जाएगी या कोई भी जाएगा, या हम लोग जाएंगे। और एक बात नोट करिए, मैं जो प्लान करता हूं ना, वो लोग जाते नहीं, कोई भलते ही चले जाते मेरे साथ, नए लोग ही आ जाते। आई एम अनेबल टू गेट इट, व्हाट इज द रीजन। जो कमेटी के लोग जाते ना, अभी 4-5 हो, वो मैं नहीं आऊंगा, भारती नहीं आई तो कोई और आ जाएगा, लेकिन भारती को सैल्यूट करता हूँ, अपना काम छोड़ के आती हूँ, बाकी दूसरा साथ में भीड़ वो अलग अलग लोग ही आ जाते। आज भारती मकर संक्रांति में शादी थी, इसके घर में रिलेशन टीना को सारा टाइम दिया पूरा, ये चीज लोगों को दिखती है पर हम उसको शब्द नहीं देते। ठीक है, आई स्टिल रिमेम्बर दैट जया को आई थी, पूरा जया को लेके घूमी, दर्शन फर्शन सब। तो ये क्या है, ये मेरे हाथ के रूप में तो काम कर रहे हो आप लोग। हम वहां सिएटल आए तो हम तो कुछ नहीं करा, आप लोगों ने कृष्णन जी एंड सिएटल एंड धीरज जी ऑल दी वर्किंग लाइक ए, बस यही जीवन में ध्यान रखो। तो आज नेक्स्ट सेशन हमारा वैलेंटाइन डे का है, नाउ वी आर इंटरिंग इन द डीप मेडिटेशन, ओनली 777 ब्रेथ, नो एज, 7 ब्रेथ विद द अवेयरनेस, 7 ब्रेथ विद द लेफ्ट नोस्टल, सेवन ब्रेथ विद द राइट नोस्टल, एंड देन मेडिटेशन, बोथ हैंड लाइक दिस, दोनों हाथ ऐसे रखे। आज आपको उपाय देने वाला हूं, एक हाथ ऊपर, फील सम फोर्स इज पुलिंग यू अप, बोथ हैंड ऑन योर नीज, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, रिकॉल योर ओन फेस, नाउ 7 ब्रेथ विथ अवेयरनेस, अपनी श्वासों को एक साक्षी भाव से पूरे शरीर की ताकत के साथ श्वास भरें
कुछ पल रोक सकते हो, रोके हो, सांस के आने जाने को देखें। जस्ट टेक द सेवन ब्रेथ विद द अवेयरनेस, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग बोथ। Relax the body. जो हो रहा है होने दे, रिलैक्स द बॉडी, अलाउ योर माइंड, वेरी माइंड वांट टू गो, रिलैक्स द बॉडी। Now take the seven exchange breath. Close your right nostril. Inhale from left nostril. Close left nostril. Release the breath to the right nostril and right lungs. Puna right lungs se shwas ko bharein, right nostril se. Right nostril close karke, left nostril mein daal. Seven breath.
जस्ट सी एज अ व्यूअर, जो भी हो रहा है तन में, मन में, विचारों में, वॉच. नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा अरे गोपाला अरे गोपाला गोपाला हरि गोपाला नारायण 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 हरि गोविंदा 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 गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोकुंडा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा आत्मा रमण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा आत्मा रमण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा नारायण 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 गोविंदा हरि नारायण 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 हरि ओम हरि नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम अपने नारायण भाव के साथ एक हाथ अपने सर पर रखें और इस पंचतत्व शरीर के पीड़ा को हरने का
blessing. Let's pray, heal and bless to this body. इस अस्थाई शरीर से जुड़े अस्थाई रिश्तों पर भी कोई भी पीड़ा हो, हे परमपिता परमेश्वर, उसे दूर कर। परमात्मा रूपी हाथ का स्पर्श अपने सर पर महसूस करें। फील द टच ऑफ डिवाइन हैंड ऑन योर हेड। Remove the hand. जो भी हो रहा है हो लेते हैं। When your body allowed to open your eyes and just place all the participants those are here. जब भी आपका शरीर मन आंखें खोलना चाहे, आंखें खोल अपने दिव्य भाव के साथ सभी लोगों को जो इस वक्त ग्रुप में मौजूद है दिव्य आशीर्वाद, डिवाइन ब्लेसिंग्स फ्लो फ्लोइंग फ्रॉम योर बॉडी। आपके शरीर से बह रही दिव्य ऊर्जा को बह जाने दे सभी लोगों के पास जो इस वक्त ग्रुप में मौजूद है। Whenever you feel complete, take a glass of water. Cover by your right hand. जब भी पूर्णता लगे, आपका सीधा हाथ अपने जल रूपी ग्लास पर रख। Close your eyes and drink the water. Whenever you feel complete. Krishan ji, where was you? What was running in your mind? Cool? Lot of things, Guruji. Huh? Lot of things, Guruji. Okay, very good. Your face is saying that you feel the divine experience. Blessings. Neeru beta, kaisa lag raha hai? Mene Neeru was called up me and just I was offering the healing. You join the session. Abhi kaisa lag raha beta? Unmute kar apne aap ko. Pehle se acha lag raha hai? Huh? Ya ji aap unmute karo, main bhi karta hu, shayad unmute ho jata hai. आप अनम्यूट करो। नीरू जी, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए कहा है। आपको अनम्यूट करो। हाँ, आप बात कर सकते। गुरु जी ठीक लग रहा है मुझे। अभी रात को फिर सोते वक्त एक बार हीलिंग लिया तो मेरा विश्वास अभी काम करेगी। हीलिंग बहुत गहरी हीलिंग दी अभी आपको।
और आप सब लोगों को मैंने बहुत गहरी हीलिंग दी, इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे आपको पता लगेगा। ठीक है, खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे, प्रसन्न रहे, बस अपने साथ रहे। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी परिस्थिति कारण अपना साथ न छोड़े। बी विथ योर सेल्फ। इफ यू आर विथ योर सेल्फ, एवरी पावर, एवरी डिवाइन इज विथ योर सेल्फ, वॉन्ट टू ब्लो। और दिव्य शक्तियां आपके शरीर को माध्यम बनाकर बाहर प्रवाहित होना चाहती है। बस आप अपने साथ रहो, खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। टुमारो 8:30 देयर इज अ सेशन, है ना, कल 8:30 बजे सेशन होगा। एनीबॉडी वांट टू जॉइन, द सेम आईडी, सेम टाइम।